सो वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो जो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इमेजन कंपनीज से घर बैठे बैठे लाखों रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करनी है, पर टाइम भी फिक्स नहीं है कि आपको 4 घंटा 5 घंटा काम करनी है। आपको जब समय मिले तब आप काम कर सकते हैं और घर बैठे बैठे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इसे एक्स्ट्रा वर्क कर कह सकते हैं, प्रोफेशनल वर्क कर सक कह सकते हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम भी कह सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल से काम है, लेकिन इस पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो है कि अमेज़न एफिलिएट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। इसमें क्या होता है गाइज कि आपको अमेज़न कंपनीज के साइट से या फिर ऐप से कोई भी प्रोडक्ट को उठाना पड़ता है। यानी कि आप कोई ड्रेस ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप को ले लीजिए, या फिर कोई भी पानी बोतल ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, स्टैंड ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, यानी एनीथिंग आप कुछ भी ले सकते हैं जो अभी अवेलेबल है अमेजन के साइट्स पे। वहाँ से उठाइए, वहाँ से लिंक उसका कॉपी कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ जो वह प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। और वह उस लिंक से प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो आपको उसका कुछ कमीशंस मिलता है। उस प्रोडक्ट में जितना 5% हो, 3% हो, 10% हो, 12% हो, जितना फिक्स होगा उतना कमीशन आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे घर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा इनकम होता है, काफ़ी ज़्यादा जनरेट इनकम होता है। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अमेज़न कंपनी के एफिलिएट अकाउंट बना कर करके उसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे लिंक जनरेट कर सकते हैं लाइक दिस मोर। अभी हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के बताएंगे, तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो वेल फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करनी है अमेज़न एफिलिएट एसोसिएट अकाउंट। एसोसिएट जैसे आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जानी है। और यहाँ पे आने के बाद में आपको ये इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अमेज़न इन एसोसिएट सेंटर का ऑप्शन जो दिख रहा है, इन मतलब कि इंडिया का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करनी है, क्लिक ओपन यानी कि ओपन करनी है। ओपन करते हैं, आपके पास अमेज़न के एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आपको पहली बार बनानी है तो पहले आपको साइन अप करनी पड़ेगी, और यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या रिकमेंड प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग फी। यहाँ पे देखिए इस पर साइन अप फर्स्ट टाइम में करना पड़ेगा। अगर आप पहले से बना चुके तो आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। तो हमको बनाना है, अभी बनाए नहीं है। तो यहाँ पे हम साइनअप पे क्लिक करेंगे। साइनअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए लॉग इन आई डी साइन इन के लिए बोला है। तो साइन इन हम तब करेंगे जब हम हमारे पास पहले से अकाउंट होगा, लेकिन हमको एसोसिएट अकाउंट नहीं है तो हम फिर से क्रिएट करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह ओपन होगा और यहाँ पे यह फर्स्ट स्टेप होगा अकाउंट। यहाँ पे इस तरह डैशबोर्ड दिखेगा जो कि फर्स्ट स्टेप है। आपको यहाँ पे पहला अकाउंट का प्रोसेस और टर्म है, यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने पड़ेगी। क्या है कि यहाँ पे योर नेम, इसमें अपना नाम डालनी है, ईमेल आईडी, उसके बाद में ईमेल आईडी, पासवर्ड डालनी है। पासवर्ड आपको वह देनी है जो आपका अमेज़न का होगा। ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं देना है, पासवर्ड ऐसा दीजिएगा जो जिससे कि आपकी अमेज़न एसोसिएट यानी एफिलिएट अकाउंट लॉग इन आईडी पासवर्ड हुआ, ठीक है। और ये पासवर्ड को 2 बार देना है, उसके बाद में क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। तो हम ये डिटेल्स पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करनी है। क्लिक करते हैं यहाँ पे डोंट से पासवर्ड पे क्लिक किए, और उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओटीपी का जो ऑप्शन है जो आपके ईमेल पर गया हुआ, तो आपको पहले ईमेल चेक कर लेनी है। ये देखिए ईमेल है, यहाँ पे क्लिक करके ईमेल आ चुका है, और जो कि यहाँ पे ओटीपी देखिए आया हुआ है। इस ओटीपी को हम लोग डाल लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर से क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे फिर से आपको डिटेल्स भरनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ज़रूरी है। अगर आप यह डिटेल्स अच्छी तरह से नहीं फिल करते हैं देन आपका एसोसिएट अकाउंट बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें आपको 4 टर्मोलॉजी से होगा आपको गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन के, दूसरा वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप से डिटेल्स के, तीसरा प्रोफाइल के, एंड चौथा आप यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स पूरा फिल कर लेनी है। हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे पेइंग नेम, पेइंग नेम यानी कि वह नाम डालना है जिस नाम पे आपका
बैंक अकाउंट में नाम होगा, जिस अकाउंट में आपको पैसे लेना है उस अकाउंट्स का यहाँ पे नाम उम देना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अकाउंट्स बैंक में पैसा लेने के लिए। तो डिटेल्स अच्छे से भरनी है, और यहाँ पे देखिए पेइंग लिंक में अपना नाम देना है, वही नाम जो आपका डॉक्यूमेंट पे होगा, और यहाँ पे एड्रेस देना है, जो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है वही एड्रेस देना है, और सिटी उटी सब आपको इजी प्रोसेस है, आपको ये सब डिटेल्स भर लेनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर देनी है, वह मोबाइल नंबर दे जो आपका बैंक से लिंक होगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए यूएस टैक्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि फॉर यूएस टैक्स पर्पसन, यहाँ पे देखिए क्या बोला कि इन जनरल यू आर कंसिडरेड एज यूएस पर्सन, अगर आप यूएस में रहते हैं तो यस, नहीं रहते हैं तो नो, यहाँ पे सिंपली करनी है। तो हम ये डिटेल्स भर करके आपसे मिलते हैं, फिर डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे वह साइट्स का नाम लिखना है जहां पे आप लिंक शेयर करना चाहते हैं। कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम दीजिए, यूट्यूब चैनल से तो यूट्यूब चैनल का नाम या फिर लिंक दीजिए, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप इसका लिंक देना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे लिंक दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक दीजिए। बिना लिंक दिए अगर उसे आप शेयर करते हैं देन वही आपका बैलेंस कट जाएगा, और वही आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा, और आगे चल करके आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे पहले नाम ऐड कर दीजिएगा, लिस्ट लिंक को दे दीजिएगा, उसके बाद ही इसमें आगे आप बढ़िएगा। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख कर रखे हुए हैं, आप भी बना सकते हैं नोट्स यहाँ पे, तो इसे हम देख लेते हैं और डाल लेते हैं। सो यहाँ पे हमने कुछ अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक अकाउंट का नेम एंड अपने डोमेन जो वेबसाइट का डोमेन है वो हमने यहाँ पे डाला, व्हाइट लॉजी डिजिटल साथ यूट्यूब चैनल का लिंक एंड वहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब का यहाँ पे लिंक हमने दिया है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करनी है, सीधा कंटिन्यू का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर पे आ गए, यहाँ पे देखिएगा थर्ड नंबर मतलब प्रोसेस में यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पे, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है व्हाट इज योर प्रीफरेंस एसोसिएट स्टोर आईडी, तो स्टोर का आईडी क्या होना चाहिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अम्लेशिफाई, मेरा जो एसोसिएट का आईडी होना चाहिए वो अम्लेशिफाई होना चाहिए, क्योंकि अम्लेशिफाई हमने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ लिखने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो है वह किस तरह का है, क्या क्या आपको वहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स, सो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आपको देख रहा है जो अब वेबसाइट के बारे में लिखने का दे रहा था, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे लिंक दिया, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक का सारा का लिंक दिया जहाँ पे हमको लिंक शेयर करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया कि यूट्यूब चैनल से वेबसाइट है, सोशल साइट है जहाँ पे हम अलग अलग कैटेगरीज में काम करते हैं, और उसका यहाँ पे मैटर यहाँ पे लिख दिया, छोटी सी मैटर लिखी है, उसके बाद हम आगे प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या विच ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिजर्व योर वेबसाइट और मोबाइल, यहाँ पे कैटेगरीज कौन सा जो सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे हम देख ले चूज कर लेते हैं। तो मेरा एक कैटेगरीज फिक्स नहीं है इसलिए हम यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पे यहाँ पे हमें एजुकेशन से स्कूल रेफरेंस यहाँ पे कर देते हैं, और भी टॉपिक्स ऐड यहाँ पे कर देते हैं, जितने टॉपिक्स को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम यहाँ पे और भी बहुत सारे कैटेगरीज है आप यहाँ पे कर सकते हैं, हम भी कर ही लेते हैं मूवीज एंड इसके बाद में नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज ऐड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने एसोसिएट अकाउंट से अमेजन से क्या क्या प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन से हम मार्क कर लेते हैं, जैसे बुक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मूवीज हो गया, क्लोथ हो गया, ग्रोसरी का हो गया, टॉयज वॉयज या कंप्यूटर का हो गया, होम गार्डन का, मैं ऑलमोस्ट हम सभी को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे और भी देख रहे हो व्हाट टाइप ऑफ योर वेबसाइट और मोबाइल, किस तरह का मेरा वेबसाइट एंड मोबाइल है, तो यहाँ पे हम अदर्स पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये कैटेगरीज नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कंटेंट वेबसाइट एंड और भी टॉपिक्स को हम ऐड कर लेते हैं, सोशल मीडिया पेज एंड ग्रुप्स ओके एंड और भी कर लेते हैं, वेब ब्राउजर वेब पोर्टल्स एंड इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हमको इतना ही हम इस पे ले लेते हैं राइट। एंड उसके बाद में यहाँ पे देखिए ट्रैफिक मोनेटाइजेशन, यहाँ पे ट्रैफिक के लिए बोल रहा है कि आप ट्रैफिक कैसे लाइएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑफलाइन लाएंगे, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से लाएंगे, सोशल नेटवर्क से लाएंगे, फोरम से लाएंगे,
और उसके बाद में रिबेट से नए इश्यू से लाएंगे, ब्लॉग से लाएंगे, लीड जनरेट करके लाएंगे, अदर से लाएंगे, पेड ईमेल थी में सारे पे हम मार्क कर दिए। रिबेट से हम नहीं जानते, इसे नहीं ऑन मार्क किए उसे। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रहा है कि हाउ टू यूटिलाइज योर वेबसाइट, यानी कि आप अपने वेबसाइट पे किस तरह का ट्रैफिक लाना चाहते हैं, कहाँ से लाना चाहते हैं, कौन से का कौन कौन से कंटेंट देना चाहते हैं, तो उसी के लिए जैसे मैं कि हम अपने वेबसाइट पे अफिलिएट लगाएंगे तो एडसेंस अकाउंट देंगे कि नहीं देंगे, और वहाँ पे ट्रैफिक आएगा तो किस तरह का आएगा, एड्स आएंगे कि नहीं आएगा, वही सब है। तो हम यहाँ पे चार पाँच मिनट सेलेक्ट कर लिए, अभी से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद में हाउ यू डू यू यूजली बिल्ड योर लिंक, यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम अदर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल मैंने ऑप्शन से यहाँ पे बहुत सा है, कंटेंट मैनेजमेंट एंड एचटीएमएल, लेकिन हम अदर्स पे क्लेंगे क्योंकि अदर्स पे क्लिक करने के बाद आप अलग अलग से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पर मंथ व्यूज की बात है, तो हम यहाँ पे 5,000 से लेकर 50,000 तक ले सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए 5,000 से लेकर के 50,000 तक ले सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में ऑप्शन दे रहा है व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइन टू अमेज़न एसईओ, जाहिर सी बात है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं पैसे के लिए। उसके बाद में यहाँ पे कर रहे हैं हाउ डिड यू हियर टू कम, यानी आप यहाँ पे किस तरह के आए, कैसे आए हैं, कैसे पता चल रहा है, तो ऑनलाइन सर्च हम ले लेते हैं। यहाँ पे कैप्चा फिल करनी है, तो कैप्चा यहाँ पे फिल कर रहे हैं, और कैप्चा फिल करके हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करनी है कि कॉन्टेक्ट टर्म्स का है ना, इसको आपको एग्री करना पड़ेगा, एग्री कर लिए। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यह फाइनल स्टेप था, और फाइनल स्टेप था तो देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए फाइनल स्टेप कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए हमारा एसोसिएट अकाउंट भी बन चुका है। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन आप अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं, तो हम इसे अभी ही करते हैं, नाउ पे क्लिक करते हैं। नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन खोजेगा कन्फर्मेशन के लिए, तो हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं एक बार। सो वेरीफाई करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको किस आपका किस तरह का आपका अकाउंट है, इंडिविजुअल है, बिजनेस है, तो हमारा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिए वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी बिजनेस का नाम नहीं है तो छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। उसके बाद इंडिया से इंडिया यहाँ पे सेलेक्टेड है, देखिएगा यह सेलेक्टेड है। यहाँ पे देखिएगा कंट्री सिटीजन पूरा सेलेक्टेड है। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर है वो आपको देना पड़ेगा, तो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। पेन कार्ड नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे जीएसटी का नंबर भरने के लिए दे रहा है, अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं या ऑप्शनल है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है सिग्नेचर टाइप करने के लिए बोला है, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा डे टू डे है तो डिफॉल्ट में ले लेता है, तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, नाम लिख दिया। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं, अब आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट मेथड का, यानी कि पेमेंट मेथड मतलब हुआ कि आप किस अकाउंट में पैसा लेने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं, उसका डिटेल्स भरना है, अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम हो गया, ये सब आपको फिल करने के लिए ऑप्शन आपको आएगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप कुछ अर्निंग कर ले उसके बाद में आप इसे फिल करें। इस वीडियो में हम यह नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे अपने अकाउंट नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं एक पार्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो बनाते ही हम आपको यहाँ पे अपलोड कर देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।